कटनी जिले के कोठला थाना के बिलहरी चौकी अंतर्गत खरखरी में शासन द्वारा बनाए गए धान उपार्जन केंद्र में स्व सहायता समूह के सदस्य द्वारा वेयरहाउस संचालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जन शिक्षण स्व सहायता समूह को आवंटित उपार्जन केंद्र निरस्त कर दिया। साथ ही वेयरहाउस संचालक की शिकायत पर समूह के दो आरोपियों के खिलाफ कोठला थाना में मामला दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता अमन वेयरहाउस के संचालक हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उनके वेयरहाउस में खरीदी केंद्र बनाया गया, जिसका संचालन स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा कम तौल किए जाने को लेकर उन्होंने कहा तो समूह के सदस्य मोना चौरसिया प्रदीप काछी ने मिलकर उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, साथ ही दो अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की। मैं अमन वेयर हाउस का प्रोपराइटर हूँ। मेरे वेयर हाउस में कल दो मोना चौरसिया और प्रदीप काछी सामाजिक तत्व आए और अचानक गाली गलौज करके मारपीट मेरे नौकर के साथ और हम लोगों के साथ करने आए, और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला इतनी मारपीट की कार्रवाई हुई। शाम को हम लोगों ने FIR कर दी। किस बात को लेकर मारपीट हुई? ये केवल वो धान खरीदी में क्या हुआ है कि वो कम मात्रा में अंदर करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई पूरी मात्रा रखी जाए जिससे भविष्य में परेशानी ना हो। इसके लिए केंद्र बनाया आपका? हमारे यहाँ केंद्र खरीदी केंद्र बनाया गया। क्या नाम से करना? हमारे यहाँ खरीदी केंद्र है अमन वेयर हाउस के नाम से दिया है, स्व सहायता समूह है उसी का है, और ये संचालन कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि संचालन कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये मोना चौरसिया है और प्रदीप काछी करके नाम के असामाजिक तत्व लोग हैं, यही लोग कर रहे हैं इसका संचालन। क्या इन्हें किसी प्रकार का किसी का संरक्षण प्राप्त है? अब संरक्षण प्राप्त है ये नहीं प्राप्त है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि ये बगैर संरक्षण की ये कार्रवाई ऐसे ऐसी हरकत कौन कर सकता है? किनका संरक्षण रहा हो क्या बताओ? ये तो भविष्य में पता चलेगा किसका संरक्षण रहा, ये भविष्य बताएगा। उस पर आगे अपन क्या बोल सकते हैं? मामला दर्ज हुआ है कि नहीं? मामला FIR करा दी कोठला थाने में आ जाएगा शाम को, क्योंकि हम लोगों को व्यवसाय करना है, हम लोग व्यापारी लोग महाजन लोग हैं, कोई हम लोग तो लड़ने वाले लोग तो हैं समाज के। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम हेमंत कुमार मिश्रा। किसी का वीडियो वायरल हो रहा है? हाँ, ये वीडियो उसी के बाद हमारे नौकर को काफ़ी चोट आई है। मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर अवि प्रसाद ने धान उपार्जन कार्य बाधित होने पर जन शिक्षण स्व सहायता समूह को आवंटित उपार्जन केंद्र निरस्त कर दिया। साथ ही वेयरहाउस में भी भंडारित धान के स्कंध के भौतिक सत्यापन के लिए जांच दल गठित कर दिया। समूह के द्वारा खरीदी की जा रही थी उसको तत्काल पृथक कर दिया गया, और जो वेयरहाउस पर घटना हुई है उनको भी ये निर्णय लिया गया है कि जांच तक के लिए उनकी मैपिंग हटा दी गई है। सर, विवाद का कारण क्या बताया जा रहा? विवाद का कारण जो है वो समूह और वेयरहाउस के सदस्यों में कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद जो है इनके बीच में मारपीट हुई है, और इसमें जो है वेयरहाउस संचालकों द्वारा जो है FIR भी दर्ज कराई गई है। सर, कहीं गुणवत्ता को लेकर बात उठी थी, और चूंकि जिले में इस घटना की जांच करने के लिए जो है 5 सदस्यीय दल गठित किया गया है, उसमें सारे बिंदु सामने आ जाए। कटनी से RB गुप्ता की रिपोर्ट।